हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम करण है। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है फिलिप्स रेडियो। इसका मॉडल नंबर है फ्रेंड्स 15AL283। इसका मॉडल नंबर है फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छा है। मैं हमेशा हर रेडियो को अच्छा क्यों बोलना चाहता हूँ कि आज के डेट में फ्रेंड्स ये वाले रेडियो कभी भी नहीं मिलते। मैं ध्यान में बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर भी इसका मॉडल नंबर लिखा है 283 इसका मॉडल नंबर है, और यहाँ पर उसका फिलिप्स कंपनी है फ्रेंड्स। ये मेड इन इंडिया का है। ये खुल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत ही अच्छा है। लास्ट तक देखना ये ऑन है क्या नहीं है, वर्किंग है क्या नहीं है। मैं सारी चीज़ें इसके बारे में बता दूँ। कुछ भी लेने से पहले फ्रेंड्स एक बार अपने मैकेनिक को पूछना। बन वाला तो रेडियो कभी भी बाय नहीं करना, और टूटा फूटा कभी भी कुछ भी बाय नहीं करना। ये मैंने रेडियो कैसे लिया, क्या लिया, कितने में लिया, वो भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। और ये ऑन होएगा कि नहीं होएगा, ऑन है क्या नहीं है, वो भी मैं बता दूंगा। ये फिलिप्स कंपनी का है, मेड इन इंडिया है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैं इसको बंद क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए, मतलब अंदर के पार्ट्स को स्क्रू भी खोलने के लिए। यहाँ पर इसका डायल लैम्प है, मतलब यहाँ पर हम ट्यूनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर उसका ऑन ऑफ का बटन है, बहुत ही अच्छा है। इसमें ऑन ऑफ के बटन में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, यहाँ पर कलर कोड है। मतलब देखो ग्रीन कलर आ रहा है ना अभी, तो ऑन करेंगे तो रेड हो जाएगा। ऑलरेडी फ्रेंड्स ये रेडियो मेरे पास था, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ये इसका नॉब है, ये इसका नॉब नहीं मतलब इसका ट्यूनिंग का, जो ये पूरी तरह जाम है, इसकी आवाज़ भी आ रही है आपको। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास ऑलरेडी था, मैंने वो पुराना है, मैं स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगा एक बार इसका लिंक। ये सेकेंड रेडियो है फ्रेंड्स। इसको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मैंने इसको खोलने का मतलब इसको कंपनी ने फिटिंग किया था। कंपनी का फिटिंग करने के बाद मैंने इसको ओपन किया फ्रेंड्स। ये खुल रहा नहीं था, बहुत ताकत लगाने के, बहुत बहुत जुगाड़ करने के बाद ही इसको खोला। आपका रेडियो खुलता नहीं रहेगा तो संभाल के उसको W40 मार के, नहीं खुलता तो एक दिन स्प्रे मार के रखना, दूसरे दिन खोला, तीसरे दिन खोला, तभी खोलने की कोशिश मत करना, ताकत लगाने की कोशिश मत करना, तो ये टूट जाता है। ये टूटा फूटा नहीं है, बस इसका हैंडल नहीं पकड़ने का। देखो यहाँ पर ऐसे हैंडल होता है। ये बहुत फ्रेश है, अभी दिख रहा है कैसे आपको वो नहीं पता, मैंने इसको खोल के जान लो उसके रखा। देखो यहाँ पर एक हैंडल है, बाकी सब अच्छा कंडीशन में, कहाँ से टूटा फूटा नहीं है। ये देखिए मैं दिखाता हूँ, इसका बैक कवर भी है। ये देखिए इसका, ये देखो ये बहुत ही फ्रेश है। देखो इसका रेडियो भी फ्रेश है, पर ये लिखा है ना, मैं ये बोलना चाहता हूँ ये बहुत ही फ्रेश है। मैं वीडियो आज की वीडियो बड़ी नहीं करूँगा, छोटी करूँगा। ये फिलिप्स कंपनी का फ्रेंड्स, ये मैंने बाय किया, बहुत पैसे में बाय किया। आप भी कभी भी कुछ भी रेडियो बाय करोगे तो कम पैसे में बाय करना, और चेक कोशिश करना कि रेडियो ऑन वाला बाय करें। थोड़े पैसे थोड़ा ज़्यादा लेना, 200-300 ज़्यादा देना, पर बन वाला कुछ नहीं लेना। मैं बन वाला के लिए तो मेरे इसके अंदर के कंपोनेंट मुझे काम आते हैं, IF काम में आते, गैंग काम में आते, स्पीकर काम में आता, उसके लिए मैंने बाय किया था। पर इसके अंदर मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, देखना लास्ट तक, नहीं तो वीडियो के बारे में पता नहीं चलेगा। तो इसको मैंने खोलने में बहुत टाइम लगा, मतलब 3-4 आवर्स इसमें खोलने में लग गया। मतलब इसके पूरे जंग लग गया था, मतलब कार्बन पकड़ लिया था। तो मैंने उसको W40 मार के धीरे धीरे 1 आवर के बाद 2 आवर के बाद धीरे ऊपर नीचे करने के बाद मैंने ये वाले दो स्क्रू खोले। ये देखो ये वाले, इसके अंदर एक होता है वो मिसिंग था। उसके बाद फ्रेंड्स देखो ये वाला स्क्रू मुझे बहुत हैरान किया निकलते टाइम पे। देखो ये वाला, देखो ये और ये कभी भी नहीं निकला, वो मैंने धीरे धीरे इस आईडी से निकाल दिया। अभी मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर मुझे मतलब बहुत खर्चा आएगा अभी बनाने के लिए, बन तो जाएगा फ्रेंड्स मेरे को पता है। ये देखिए इसका पूरी तरह फ्रेंड्स पेपर ही, स्पीकर का पेपर ही पूरा ख़त्म हो गया। ये दिख सकते पूरी तरह डेट हो गया, तो अंकल खोल के भी नहीं दिखा सकते। तो अंकल ने मुझे पहले बोला था डेट कंडीशन में है, आपको लेना तो लो नहीं तो मत लो। वो अंकल एक ही डायलॉग बोलते, कोई भी रेडियो ऐसा किसके पास भी हो तो वो बोलेंगे देखने को भी नहीं मिलेगा ऐसा रेडियो तेरे को, रेडियो मिल रहा है। और ऐसे पता था कि मेरे को रेडियो के बारे में नॉलेज ही नहीं, ऐसे वो लोग मुझे बोलते कभी कभी, कभी रेडियो का गाना भी सुना है क्या, ये सुना है क्या, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी वो भी मुझे पूछते रहते। तो वो पता है क्या, कभी रेडियो हाथ में लिया है क्या? मैं बोलता हाँ भाई, मैं आपसे पहली बार ले रहा हूँ। मैं उनको समझा देता हूँ, मैं आपसे पहली बार रेडियो ले रहा हूँ, मैं कभी रेडियो सुना भी नहीं, उसके लिए मैं आपसे बाय करता हूँ उनसे। अंकल मैं उसे बहस नहीं करना चाहता हूँ कि, तो अंकल को मैं बता देता हूँ, अरे अंकल थोड़े पैसे कम, तो
थोड़ा मेरा मेरी मैं अपनी शक्ल थोड़ी ऐसी बना देता हूँ कि वो दे देते खुशी से, मतलब हैप्पी जैसे बोल देता हूँ। तो आप भी करें हैप्पी से बोलना, तू मीठी बात बोलने से हो जाता। तो देखो फ्रेंड्स, कभी भी देखो ये स्पीकर, इसका पेपर चला गया, इसका कॉइल अच्छा रहेगा। मैंने इसके देखो यहाँ पर दो निकल के रखे, ये निकल रहा भी नहीं है, तो मैं बोला एक बार वीडियो बनाने के बाद पूरा इसका ऑपरेशन कर देता हूँ तो पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, इसके ओरिजिनल पेपर मेरे एक जगह पर लेमेंट रोड में, मुंबई में कोई भी रहता रहेगा मुंबई में तो लेमेंट रोड में स्पीकर का बहुत अच्छा काम होता है, इसके ऊपर वो पेपर लग जाएगा, इसका ओरिजिनल कॉइल रहेगा अच्छा तो वो भी लग जाएगा, ओरिजिनली सब कुछ इसमें बैठ जाएगा। ये थोड़ा फंग मतलब लगा है, जंग लगा है, मतलब फंगस आया, वो पेंट कर दूंगा ग्रे कलर और वैसे ही लेके जाऊंगा। एक दो घंटे में वो मुझे स्पीकर बना के देंगे, मैं वो लगा दूंगा, ओरिजिनल हो गया। इसके अंदर बहुत ही अच्छा, मतलब इसमें अंदर ट्रांसफार्मर भी लगा है, वो भी बहुत ही अच्छा है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर ओरिजिनल ट्रांसफार्मर भी लगा है, मतलब 4.5 का है ये, बहुत ही अच्छा है। इसमें देखो ये वाले सब है ना, ये वाला और ये वाला, ये कॉइल है, मतलब रेडियो की कॉइल है, मीडियम वेव की और शॉर्ट वेव की दो कॉइल है यहाँ पर, और बाकी के IF है। तो ये दोनों भी कॉइल मैंने मल्टीमीटर से चेक किया, धीरे से मैंने इसको पूरी तरह खोला नहीं, ये वाले चार स्क्रू खोले और चेक करके देखा कि इसमें से कॉइल खराब हुई है नहीं हुई। मैं दिखा देता हूँ, आप भी कभी भी आपका रेडियो मतलब बसता नहीं रहेगा तो दो चीज़ ध्यान में रखना, पहले ऑडियो आता है क्या वो चेक कर लेना, बाद में ये दोनों IF ये वाले, ये और ये ब्लू कलर का दिख रहा है, उसमें एक जगह पर 3 डंडी रहेगी, एक जगह पर 2 डंडी रहेगी, तो दोनों जगह पर ऐसे कंटिन्यू आनी चाहिए और 3 में साइड में लास्ट में कंटिन्यू आनी चाहिए, तो समझ जाने का ये कॉइल अच्छी है। ये भी सेम ऐसे करना, IF भी वैसे चेक करना, तो समझ जाने का IF में कि देखो दो जगह पर कंटिन्यू नहीं आ रही, तो समझ जाने का अंदर टूट गया रहेगा उसकी वाइंडिंग, तो समझ जाने का उसके लिए अपना रेडियो बज रहा नहीं, तो उसका मैच करने वाला, उसका रेडियो का लगाने वाला वही IF लगा के लगा देना। ये पूरी तरह डेड है, मैंने इसको कोशिश किया चालू करने के लिए पर नहीं हुआ। फिर इसका ऑडियो सेक्शन अच्छा है, मुझे ऐसा डाउट है, देखो ये वाला IF ये और ये दोनों IF मुझे लगता है गए, मैंने हल्का सा चेक किया, अभी मैं इसको पूरी तरह बाहर निकाल के ही मैं इसको चेक करूँगा, मैं यहाँ पे रख के चेक नहीं करता फ्रेंड्स, इसको पूरी तरह इसके आगे पीछे के सारे वायर निकाल के इसको बाहर आराम से निकालता हूँ, आराम से एक एक कंपोनेंट चेक करता हूँ, रजिस्टर कैपेसिटर गैंग बिंग सारे चीज़ें मैं एक एक धीरे 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 चेक करता हूँ, उसके बाद मेरे को ऐसा लगा है भाई ये ख़राब है तो मैं वही टाइम पे लगा देता हूँ, ख़राब भी नहीं होगा तभी मैं नया लगा देता हूँ कि अपना रेडियो अच्छा बजेगा, अच्छा क्वालिटी आएगा। तो पूरी तरह ये दोनों IF मैंने चेक किए, ये दोनों IF वर्क नहीं करते, तो आपका भी रेडियो होगा तो चेक करना, तो मैं वीडियो बड़ी नहीं करूँगा फ्रेंड्स। ये आज के डेट में एक रेडियो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे भेजा था, मतलब एक दूसरे उसके फ्रेंड में भेजा था, ये रेडियो अच्छा कंडीशन में था, उसके पास 3000 में था, उसका मैसेज मैं स्क्रीन पे डाल देता, देखो स्क्रीन के ऊपर एक अंकल ने लिख के भेजा 3000 का रेडियो, ये मॉडल का यहाँ पर भी लिखा है देखो 3283, मैं वापस दिखा दे। उसके लिए मैंने इसको स्क्रू फिटिंग नहीं किया, आपको दिखाने के लिए टाइम हो जाए वो हो जाएगा, उसके लिए मैंने इसको मैं इसको बता देता हूँ, ये बहुत ही अच्छा है, ये मतलब ऑलरेडी मेरे पास एक था ये वाला मॉडल, मैं स्क्रीन के ऊपर कमेंट बॉक्स में इसका लिंक डाल देता हूँ, देख लेना इसका लिंक, ये सेकंड है मेरे पास। मैं रेडियो ऐसे बाय क्यों करता हूँ कि मेरे को इसके अंदर चीज़ें काम में आ जाए, तो मैं वीडियो बड़ी नहीं करूँगा फ्रेंड्स, इसकी ये ऑन होने के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि उसका वीडियो डालने के लिए, मेरे पास अभी 2-3 रेडियो मैंने ऑलरेडी ऐसे खोल के रखे हैं, टाइम नहीं मिलता वैसे बस उसको बनाने के लिए, थोड़ा थोड़ा ऑफिस भी जाना पड़ता है, ऑफिस में तो पहले ड्राइंग सिखाता हूँ, तो मैं वीडियो बड़ी नहीं करूँगा। तो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, लाइक करना, शेयर करना, और एक बात ज़्यादा से ज़्यादा ये बताऊँगा फ्रेंड्स, किसके पास भी ये वाला मॉडल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ये बताना ज़रूर कि किसका था, वो दादाजी का था कि परदा जी का था कि मैंने खुद बाय किया था, और कितने में बाय किया था वो भी बता देना, तो मैं वीडियो यही स्टॉक में वीडियो पड़ जाएगी। बाय फ्रेंड्स।